हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होपिंग यू टू बी द फाइन। प्रेजेंट और पास्ट टेंस की वीडियोस आपके पास आ चुकी हैं और आप लोग काफी अच्छा उसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो अब जो लास्ट टेंस बची हुई है, दैट इज फ्यूचर टेंस, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ईच इज हैविंग फोर टाइप्स, तो लाइक वाइज फ्यूचर की भी वही फोर टाइप्स है। तो सबसे पहले बात आती है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर, फ्यूचर होता क्या है? समय जो आएगा, जो हमारे भविष्य में होगा, उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर मीन्स भविष्य। तो जो आने वाली चीजें हैं उसके बारे में फ्यूचर टेंस में बात होगी। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस सबसे पहले आती है। अगर हिंदी में सेंटेंस देखें तो उसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में गा गेगी आते हैं, जैसे वह दिल्ली जाएगा, मैं खाना खाऊंगी, तुम क्या करोगे। तो ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब कैसे इनको बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसका सिंपल देखिएगा कैसे होगा। फ्यूचर इनडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस आपको मालूम है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। तो फ्यूचर टेंस में हमारी मेन जो हेल्पिंग वर्ब्स है, दे आर विल एंड शैल। अब ये विल और शैल कहाँ पर आपने यूज करना है, देखिएगा। शैल जो है वो आजकल ऑब्सोलीट हो गया है, बहुत ही कम हम उसको यूज करते हैं, बट फिर भी अगर यूज करना ही हो तो आई और वी के साथ। सिर्फ दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ शैल का यूज करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल का यूज होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज होती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट गिवन है तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे आपको मालूम है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट के साथ विल नोट, शैल नोट, और वही फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शुरू होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से, और विल और शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब से, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना हो तो वही सेम मेथड रहता है इंटरोगेटिव वाला ही, विल शैल से हमें स्टार्ट करना है सेंटेंस को, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह खाना बनाएगी, वह खाना बनाएगी, तो वह को शी यूज करेंगे और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, और खाना बनाने को बोलते हैं प्रिपेयर या कुक, तो शी विल प्रिपेयर फूड। अगर नेगेटिव इसका बनाएंगे, शी विल नॉट प्रिपेयर फूड, इंटरोगेटिव बनेगा तो विल शी प्रिपेयर फूड, विल से सेंटेंस शुरू करेंगे, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शी नॉट प्रिपेयर द फूड। तो इस तरह से ये इनडेफिनिट टेंस होती है, बहुत ही सिंपल सी टेंस है। दो हेल्पिंग वर्ब्स है, विल एंड शैल का यूज करना है, आई वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सभी चीजों के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमने विल का यूज करना है। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यू, नहीं होगी इत्यादि रहते हैं। सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जैसे आपको बताया गया फ्यूचर में सभी में विल और शैल तो होगा ही मेन में, तो यहाँ पर विल या शैल के साथ हम बी का यूज करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि कॉन्टिन्यूस जितनी भी टेंसेस होंगी उनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एनजी यूज करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी, नॉट को विल और बी के बीच में लगाना है, विल नॉट बी, शैल नॉट बी होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ वही आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शैल जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो उनसे सेंटेंस शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बी, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और फिर बी और फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, लाइक वाइज सारा वैसे ही चलेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि वह खाना बना रही होगी, शी विल बी प्रिपेयरिंग द फूड, सिंपल सेंटेंस हो गया, वह खाना नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग, नॉट आपने देखा विल और बी के बीच में हमने इंसर्ट किया है, और अगर क्या वह खाना बना रही होगी तो विल से शुरू करेंगे, विल शी बी प्रिपेयरिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क लगाना है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में विल शी नॉट बी प्रिपेयरिंग द फूड और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, बहुत ही सिंपल टेंस है।
तो आपको देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब से हमारी विल बी एंड शैल बी, तो शैल को यूज कम से कम ही करना है, सिर्फ करना है तो आई बी के साथ करना है, अदरवाइज हमें ज्यादा से ज्यादा विल का यूज करना है फ्यूचर टेंस के लिए। ये तो फ्यूचर की दो टाइप्स आपको बताई गई, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगी, आप इनको देखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो दो रिमेनिंग फ्यूचर की है, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो अच्छे से इनको देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो भी रिसेंट अपडेट्स हो वो मिलती रहे। थैंक यू।